मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विजयपुर विधानसभा में लाडली बहनों को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कल भाई दूज है, आप सभी बहनें अपने भाइयों को आशीर्वाद देंगी। आगे कहा कि लाडली बहनों को भाजपा सरकार ने ही 3,000 रुपए देने को कहा है, उस वादे को भी पूरा किया जाएगा। बीते दिनों सीएम ने विजयपुर में मंच से बहनों को कहा था कि भाजपा ने लाडली बहनों के लिए वचन पत्र में जो वादा किया है उसे पूरा किया जाएगा। सरकार के द्वारा 1,000 से राशि को बढ़ाकर 1,250 किया था और बहुत जल्द ही राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपए महीने की जाएगी। वहीं वंचित रह गई लाडली बहनों के नाम से भी चुनाव के बाद जोड़ने का काम शुरू कराया जाएगा। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने बीते दिनों लाडली बहना योजना पर कहा था, विजयपुर में सीएम ने मंच से बहनों के खाते में 3,000 रुपए देने की बात कही थी। यह बात 2023 के चुनाव में भी कही गई थी। दीपावली मिठाइयों का त्योहार होता है, इस दिवाली बहनों को मीठा भी खिलाए सरकार, 3,000 रुपए बहनों को दिवाली के पहले दे, ऐसा किया तो मैं सीएम का जीवन भर ऋणी रहूंगा, जल्द से जल्द बहनों को 3,000 रुपए जारी करे। अपने क्षेत्र के अंदर आपने जिस प्रकार से काम किया वाकई अद्भुत किया, लेकिन आप चिंता मत करना, अपने इसी क्षेत्र के अंदर अकेले विजयपुर के अंदर 51,838 से ज्यादा लाडली बहनों को हम राशि दे रहे हैं। अभी तो 1,250 दे रहे हैं, धीरे 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 करते करते 3,000 रुपए राशि भी आपको देने का सरकार ने निर्णय किया। भाजपा की सरकार है, 5 साल की सरकार है, हम अपनी बहनों के जीवन में नहीं देंगे तो किसको देंगे। लेकिन आप भी मत भूलना, आज सुहाग पड़वा है और कल भाई दूज है, आज गोवर्धन पूजा है, कल अपनी संस्कृति के आधार पर भाई के लिए आपको याद रखना। लेकिन सच्चे अर्थों में तो भाई दूज वो चुनाव चिन्ह भी आ गया, आप तो दूसरे नंबर पर है।